Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. Get notification. Hello friends, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं कांडी गोश्त. ये चिकन का बना हुआ एक स्टार्टर होता है जिसे आप नॉर्मली घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. ये है, मैंने चिकन लिया है बोनलेस, आधा किलो क्यूब्स में काट लिया है. अब उसके अंदर मैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 अंडा, 1 मेयोनीज है ये मैंने 1 टेबलस्पून भर कर लिया है, ये है 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार. आप इन सबको ड्राई मसालों को इस पर डाल दीजिए. यह है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर. अब ये सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और 1 आधे घंटे के लिए आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए. और ये कांडी है, स्क्यूअर्स भी बोलते हैं इसे, और ये ब्रेड क्रम है जो मैंने फ्रेशली ब्रेड जो घर पे होता है उसे ग्राइंड कर लिया है और उसे बना लिया है. अब एक एक करके आपको ये क्यूब्स को, मैरिनेटेड चिकन को लेना है और इसके अंदर स्क्यूअर्स में ऐसे पियर्स करते हुए 3 3 4 जैसे भी आप चाहते हैं. वैसे ये स्टार्टर्स के हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हैं कोई भी पार्टी या इवेंट्स में, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी आपका फैमिली गेट टुगेदर हो, आप ये चीज़ बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसे मिनी बाइट्स में ही रखिएगा, छोटे छोटे बाइट्स में 2 से 3, के ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे. अभी हमें इसे फ्राई करना है, तो जैसे हमने इसको कोट करके रख दिया था, 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख दीजिए. ये मैंने कुछ अंडे लिए हैं, इसके अंदर नमक डाल के मैंने उसे फेंट लिया है. अब इसके अंदर ये जो आपके कांडी को जो तैयार हुआ था उसमें डिप करना है और आप उसको डीप फ्राई करना है. तेल पहले से ही गर्म करने रख दीजिएगा, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम, ना ज़्यादा कम फ्लेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से तो ज़्यादा जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से शायद थोड़ा सा रॉ रह जाए. देखिए इसमें बहुत अच्छे से ये फ्लोट होने लग गए हैं ऑयल पे. जैसे इस पर गोल्डन कलर आने लगे तो आप इसे डिश आउट कर दीजिएगा. देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसके ऊपर. आपकी जो कांडी गोश है वो बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं मेयोनीज या सॉस के साथ. डू गिव अ ट्राई. आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें योर्स किचन को. थैंक यू.